गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास 9th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 का फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करूंगा। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इसका है, दे रखा है इसमें ब्रैकेट में 3a-7b-c2। ये वेरिएबल चेंज हो रखे हैं यहाँ पर, yy xyz दे रखा था, xyz xyz, बट यहाँ पर abc, बट आइडेंटिटी हमारी सेम ही है, वही है जो हमने पहले यूज़ करी है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वेरिएबल्स कुछ प्रॉब्लम नहीं करते, मैं समझाता हूँ कैसे करना है। आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर x+y+z है, कई बुक्स में a b c भी ले रखी है, तो आइडेंटिटी और वेरिएबल का कोई फर्क नहीं होता, मैं समझाता हूँ। तो आइडेंटिटी हमारी सेम है जो हमने पहले ऊपर यूज़ कर रखी है, बुक में एनसीटी में दे रखी है 9th क्लास में, बट यहाँ पर आइडेंटिटी पॉजिटिव में या नेगेटिव में, पहले हम इसको चेंज करेंगे। ये 3a हो गया प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस था तो प्लस, और ये हमने क्या ले लिया, ब्रैकेट में ले लिया -7b। फिर यहाँ प्लस था तो प्लस कर दिया, ये माइनस का था इसको फिर ब्रैकेट में लेके फिर पूरे का ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक्स है, ये पूरा वाई है, ये पूरा जेड है, कन्फ्यूज़ मत होना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पूरा एक्स है, ये पूरा वाई है माइनस के साथ, और ये पूरा जेड माइनस के साथ सी है। ठीक है, अब आइडेंटिटी हमारी ये है, हमें लगानी पहले x2 है, एक्स हमारा क्या है, ये है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये एक्स है, ये y है, और ये z है। ठीक, तो x² है तो 3a² प्लस y² है तो y हमारा ये पूरा है माइनस का, -7b2 ब्रैक प्लस साइन आ गया, फिर z क्या हमारा c का स्क्वायर हो गया। ठीक, प्लस अब 2 इंटू xy, x हमारा क्या 3a आ गया, इंटू y हमारा क्या -7b, तो ब्रैकेट में -7b मैंने लिख दिया। ठीक है, प्लस फिर आइडेंटिटी से 2, फिर आइडेंटिटी से अब yz है, y हमारा क्या -7b लिख दिया, इंटू हमारा z क्या है -c, तो -c मैंने लिख दिया। ठीक, उसके बाद फिर प्लस आया, फिर 2 आइडेंटिटी से आया, इंटू आया z हमारा क्या, फिर -c ब्रैकेट में, फिर -c इंटू, फिर हमारा x क्या है 3a, तो 3a लिख दिया। यहाँ भी माइनस है, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है, ब्रैकेट डालना ना भूलें, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 3 9 हो गया, a का ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस साइन स्क्वायर के कारण प्लस हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो गया, b का बी स्क्वायर हो गया, माइनस साइन फिर स्क्वायर होने के कारण प्लस हो जाएगा, c का स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों माइनस प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 2 3 जा 6 6 7 जा 42, a b आ गया, ये क्या है प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और फिर प्लस की मल्टीप्लाई तो फिर हमारा प्लस हो गया, सो 2 7 जा 14, और bc आ गया, ये माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, तो जब माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, सो 2 3 जा 6 हो गया, और हमारा ac था तो ca और ac मतलब सेम ही है, आप इसको आगे पीछे लिख लिए जैसे मर्जी कर लें, आंसर हमारा सेम रहता है। ठीक है नहीं आसान, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लास्ट में गोल आइकन आएगा, उसको आप क्लिक करके उसमें आपको बटन मिल जाएगा, आप क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी वीडियो दिख जाएंगी, बेल बटन पर क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे वीडियोस के, और वीडियो के लास्ट में एक लेफ्ट साइड में रेक्टेंगल बॉक्स आएगा जिसमें कि आपको लिंक मिलेगा नेक्स्ट पार्ट का, आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट पार्ट दे सकते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, टाइम नहीं खराब होगा, जिससे कि बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, इस वीडियो के 5th पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।